कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त गगन। आज हम बात करेंगे होंडा SB 125 जो कि BS6 आ चुकी है और ये बोल सकते हैं 2020 के लिए लॉन्च की गई है, तो ये सामने खड़ी है। इसके बारे में डिटेल्स मैं आपको पूरा दे देता हूँ। थोड़ा सा और बता दूँ, नीचे से ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ गई है, लेंथ भी बढ़ गई है, सामने से लुक भी चेंज हो गया है, ग्राफिक्स चेंज हो गए हैं, 4 नए कलर में अवेलेबल है गाड़ी। और बाकी जो डिटेल्स है पहले दिखा देता हूँ आपको इस गाड़ी का लुक, फिर उसके बाद डिटेल्स भी दे देता हूँ। चलिए तो दोस्तों, ये है आपकी होंडा SB 125 BS6 कॉन्सेप्ट। सामने का कंसोल जो है दूसरा, डिफरेंट लुक, साइड से डिफरेंट लुक, स्टिकरिंग दी हुई है, इंजन में थोड़ा परफॉर्मेंस चेंज हुआ है। पूरा डिटेल्स चलिए मैं यहाँ से दे देता हूँ। तो नीचे अगर अपन बात करें तो इस है जिसमें 80/118 इंच का अलॉय व्हील दिया हुआ है, ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं, टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाता है। और ये जो कलर है, इस कलर की बात कर लूँ, ये 4 कलर में अवेलेबल है। ये स्ट्राइकिंग ग्रीन है जिसमें और 3 कलर अवेलेबल है, आपके नियरेस्ट शोरूम में आ चुकी है, चेक कर सकते हैं। ये सामने का जो मड गार्ड है वो ग्लॉसी लुक है, यहाँ पर आप नंबर प्लेट लगा सकते हैं। और ये फ्रंट का जो है आपको LED मिलेगा जो कि बहुत ही बेहतरीन लुक दिख रहा है। इसको देख के पुरानी याद आ रही है मेरे को, हीरो की हंक की, जैसा उसका लुक था वैसा ही इसका भी लुक है। बाकी यहाँ पर आपको ग्लॉसी मिल जाता है, यहाँ कुछ मैट मिल जाता है, यहाँ ग्राफिक्स कवरिंग की हुई है आपकी नियॉन से और सिल्वर से, यहाँ इंडिकेटर्स दिख जाता है। तो यहाँ का लुक कैसा लगा आपको इस गाड़ी का, जो कि चेंज हो चुका है पहले से मुकाबले। यहाँ डिस्क आपको मिल जाता है, इसमें डिस्क भी अवेलेबल है, ड्रम भी अवेलेबल है। तो ये डिस्क वेरिएंट है जिसमें CVS कॉन्सेप्ट इसमें भी आपको मिलेगा, ब्रेक लगाएंगे तो पीछे भी कंट्रोल होगी। तो इधर से बात करें तो यहाँ पर आपको होंडा का लोगो मिल जाता है, ग्राफिक्स है, कवरिंग की हुई है, यहाँ पर ये पूरा ग्लॉसी है, इधर मैट है और इधर स्टिकरिंग जो है यहाँ तक कवर किया हुआ है। SB 125 लिखा है और HETBS6 कॉन्सेप्ट आपको यहाँ मिल जाएगा लिखा हुआ, जो कि कॉमन है। और एक ख़ास बात यहाँ पर है, ESP मेंशन किया है, एनहेंस स्मार्ट पावर टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसमें आपको पता भी नहीं लगेगा कि गाड़ी कब स्टार्ट हो गई, एकदम स्मूथ कर दिया गया है पहले से मुकाबले। इंजन की परफॉर्मेंस भी बढ़ा दी गई है, इफ़िशेंसी भी बढ़ा दी गई है कि आपको पता भी नहीं लगेगा बिल्कुल। तो अगर इंजन की बात करें तो 125cc का इंजन है और साथ में आपको पावर की बात करें 10.7 BHP पैदा करती है, और टॉर्क की बात करें 10.9 Nm का इस गाड़ी का टॉर्क है। पहले के मुकाबले क्या है, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग के लिए दिया रहता था स्टार्टर जो कि सेल्फ स्टार्ट होते थे और एक आवाज़ आती थी, मगर अब वो आवाज़ को बिल्कुल वॉइस बिल्कुल पता ही नहीं लगे गाड़ी कब स्टार्ट हो गई। तो ये टेक्नोलॉजी होंडा ने दी है। उस समय यहाँ पर लाल से कवरिंग की हुई थी, यहाँ पर अभी कुछ नहीं लिखा है। इंजन भी एकदम सॉलिड छोटा दिख रहा है पहले के मुकाबले, और इधर भी आपको ब्रेक जो है फुटरेस्ट है वो डिफरेंट दिखेंगे, ब्रेक कंट्रोलिंग भी डिफरेंट दिखेगी। इस साइड अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ग्लॉसी है और यहाँ मैट है, और ESP मैंने बता दिया ये टेक्नोलॉजी आपको दिख रही है। और यहाँ मफलर की बात करें तो यहाँ पर क्रोम की मफलिंग दी हुई है, अगर आप फुटरेस्ट में पैर रखते हैं और इसमें टकराते हैं तो कई बार स्क्रैचेज आ जाते हैं, तो उससे बचने के लिए ये क्रोम की फिनिशिंग यहाँ पर दी हुई है। तो इधर अगर बात करें तो ब्लैक कवरिंग की हुई थी और इधर ग्रे का लुक दिया हुआ है, तो यानी कि डुअल टोन बोल सकते हैं एक तरीके से हम इसको। और यहाँ हाइड्रोलिक सस्पेंशन दिया हुआ है रियर साइड में। आपको टायर्स की बात कर लें पीछे की, तो MRFA टायर्स 80/118 इंच के नए अलॉय व्हील के साथ आपको मिलती है। तो ये पीछे का है, आपको पीछे ड्रम मिलता है, कोई डिस्क नहीं मिलेगा 125cc में। तो इधर का डिफरेंट लुक अगर बात करते हैं पीछे से हम, तो यहाँ नंबर प्लेट लगा सकते हैं दोस्तों हम लोग। और ये पीछे का कथोला है जो कि अभी भी कन्वेंशनल है, LED नहीं दी हुई है इसमें अभी भी, और ये इंडिकेटर्स इसके गाड़ी के। और इधर साइड से बात कर लें हम तो, इधर साइड से बात, ये सीट ओपनर ओपन करने के लिए दिया हुआ है, और ये यहाँ का साड़ी गार्ड दिया हुआ है, और ये चैन कवरिंग की हुई है। इधर का लुक तो मैंने बता दिया आपको। और इधर से अगर हम बात करें तो ये नया दिख रहा है थोड़ा, इंजन में जो कवर है उसका डिफरेंट लुक दिख रहा है, होंडा लिखा हुआ है यहाँ पर। और गियर पैटर्न ऐसा है कि वो पैटर्न चले गया जिसमें 1, 2, 3, 4 आप लगाते थे, मगर ये दूसरा पैटर्न है, फर्स्ट गियर, फिर न्यूट्रल, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ यहाँ पर मेंशन है अगर आपको जानना है तो। तो इधर का डिटेल्स मैंने आपको दे दिया, ये इसका डिफरेंट लुक है BS6 का।
और फिर इधर ऊपर से अगर बात कर लें तो इसका जो लेंथ है वो भी इंक्रीमेंट हो चुकी है, जो नीचे ग्राउंड क्लियरेंस 19 mm इंक्रीमेंट हो गई है, तो टॉल हो गई है गाड़ी ये कह लें। तो सीट की अगर बात करते हैं तो सीट पहले के मुकाबले लंबी हो चुकी है, और यहाँ का ग्रैब रेल जो बोलेंगे ये कुछ रबर टाइप का है, और इसके नीचे का जो है ग्लॉसी नहीं है, मैट फिनिश है, तो ये रबर टाइप का ग्रिपिंग है, आपको मस्त मजबूत पकड़ मिलेगी आपको यहाँ पर। तो सीट बोले सॉफ्ट है पहले के मुकाबले, और चौड़ी है, बैठने में कम्फर्ट है बिल्कुल। यहाँ टैंकी कैपेसिटी की बात करते हैं, 11 लीटर की आपकी टैंकी कैपेसिटी है। और सबसे बेस्ट चीज़ जो है फ्रंट का, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, तो वो ये है, इसका हैंडल है जो पूरा ब्लैक मैट फिनिश हैंडल लगा हुआ है इसमें। और सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ स्टार्ट करके मैं दिखा दूँ तो ये फर्स्ट इन सेगमेंट है जो कि फुल्ली डिजिटल कंसोल दिया हुआ है। इसमें आपको RPM नहीं मिलेगा, स्पीडोमीटर मिलेगा, आपका टाइम मिलेगा, एवरेज और ए और बी ट्रिप मिलेगा, फ्यूल इफिशेंसी दी हुई है, एवरेज दी हुई है, और फ्यूल कितना है ये भी, और इसे आप यहाँ चेंज कर सकते हैं, ट्रिप ए ट्रिप बी कितना रेंज जाएगी ये भी बताया हुआ है, और सर्विस रिमाइंडर ये आपको मेंशन करेगा, यहाँ न्यूट्रल दिया हुआ है। तो ये सबसे बेस्ट है अपने सेगमेंट में, और यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा कंसोल, इतने सारे फीचर्स है, RPM की इस गाड़ी में ज़रूरत नहीं है 125 cc में, तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर इग्निशन स्टार्ट ऑफ के लिए है, होंडा का लोगो जो पहले भी था वो अभी भी है, और सबसे अच्छी बात ये है कि प्रीमियम लुक की फीलिंग यहाँ पर हमको आ रही है। तो यहाँ पर आपको जो है पास तो मिला ही हुआ है, इसी स्विच में अगर ऊपर करेंगे तो आपके लिए अपर हेड और इसके लिए लोअर, तो लोअर में है भी, अपर जाने के लिए हम ऊपर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर प्रीमियम लुक दी गई है, ग्रिपिंग भी अच्छी है इस गाड़ी की, और साथ में सबसे अच्छी बात है हम अपन देखें तो आपको यहाँ पर इंजन स्टार्ट करने के लिए ऐसा है कि इंजन स्टॉप हो चुका है, अभी स्टार्ट करना है, ये स्टार्ट हो गया, और एक सेल्फ मैं दबाऊंगा तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, पता भी नहीं लगे। तो ये इस गाड़ी की टेक्नोलॉजी इसमें दी गई है, सो फर्स्ट इन सेगमेंट है इसीलिए। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ दी हुई है होंडा SP 125 में। तो ये फ्रंट का लुक है, ये आपको कैसा लगा ये मेरे को बताइए, और इसके मिरर्स जो हैं वो पुराने ही लुक है जो पहले थे, वैसे ही लुक दी हुई है, कुछ डिफरेंट नहीं है। तो ये इसका सामने का लुक है, और ये आपकी LED है जो आप स्टार्ट करेंगे उस समय ऐसा में दिखेगी। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको SP 125 आपके नियरेस्ट शोरूम में आ चुकी है, आप चेक कर सकते हैं। और अगर इसके प्राइस की बात करें हम, तो प्राइस में भी इंक्रीमेंट हो गया है। तो अगर ये अभी जो वेरिएंट है, मैं डिस्क वाले के आपको बता दूं, 77,510 एक्स शोरूम प्राइस है, और 73,310 आपका एक्स शोरूम प्राइस विथआउट डिस्क ब्रेक है, तो वो ड्रम का प्राइस है। तो कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा, कुछ डिटेल्स आपको पूछने हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इस गाड़ी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स।